Hi friends, I am Prangya Rudra Mohanty and welcome to my channel. Friends, it's been a long time that I have not uploaded any painting video. So this time I have paint on the wooden spatula and it's really beautiful. So let's start, and a quick request: if you like my video, then please subscribe, share and click on the notification bell icon so that you can get notification about new uploads. So let's start. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये वुडन स्पैचुला जो है वो लिया है और उसके ऊपर कैमलिन का जो आर्टिस्ट गेशो मिलता है वो मैं इधर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे दो कोट्स अप्लाई किया है, वन कोट सूखने के बाद, फिर आप सेकेंड कोट को अप्लाई कीजिए दोनों साइड, फिर थोड़ा टाइम सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये हमारा अभी सूख गया है। इसके ऊपर जो सैंड पेपर आता है वो मैंने लिया है और उसको थोड़ा सा रब करेंगे उसके ये स्पैचुला के ऊपर, सो दैट जो भी एक्सेस गेसो होगा वो सब निकल जाएगा। तो अभी फिर सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, वाइट कलर। बेस हमेशा वाइट कलर में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कोट अप्लाई करूँगी, फिर वो सूखने के बाद फिर मैं सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने 8 नंबर का ब्रश लिया है, ये कोट अप्लाई करने के लिए फ्लैट ब्रश लिया है। यहाँ पे मैंने रेड और वाइट मिक्स करके ये पिंक कलर किया है और उसको हम ये स्पैचुला के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पैचुला मैंने पिंक कलर किया है, तो फ्लैट ब्रश लिया है सो दैट ये बॉर्डर अच्छे से आए। तो एक कोट देने के बाद मैं फिर से यहाँ पे सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी। तो एक बार ये पिंक कलर सूखने के बाद मैंने यहाँ पे ये मास्किंग टेप लिया है और ये स्पैचुला के दोनों साइड में लगा रही हूँ और इसके बीच में मैं ब्लू कलर अप्लाई करूँगी। ये मास्किंग टेप इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो लाइंस जो आएगा ना वो एकदम स्ट्रेट लाइंस होगा, और ये मास्किंग टेप आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। ये ब्लू कलर को मैं अप्लाई कर रही हूँ, नेवी ब्लू कलर है, और एक कोट होने के बाद मैं फिर सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी और थोड़ा टाइम सूखने के लिए छोड़ दूँगी। चलिए अभी हम ये जो मास्किंग टेप है उसको हम निकाल देंगे, ये कलर सूख गया है, सूखने के बाद ही निकालना है। तो दोनों साइड से मैं ये मास्किंग टेप को निकाल देती हूँ। तो ये ब्लू कलर देखिए कितना अच्छे से इसका लाइंस आया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ। वैसे ही ऑरेंज कलर का दो कोट्स अप्लाई करेंगे सूखने के बाद, फिर सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे और थोड़ा टाइम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे।
अभी हमारे सारे कलर सूख गए हैं, तो चलिए इसमें ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 नंबर का राउंड ब्रश लिया है और वाइट कलर से मैं इक्वल डिस्टेंस में ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स के अंदर ये जो सर्कल बना रही हूँ वाइट कलर का ही, मैं सारा ड्राइंग वाइट कलर में ही करूँगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। एक बार स्टिक का ड्राइंग हो गया तो यहाँ पे मैं एक मंडाला आर्ट बना रही हूँ, छोटा सा ही बना रही हूँ और वाइट कलर में ही बना रही हूँ।
अभी हमारा ये स्पैचुला पेंटिंग अभी रेडी हो गया है, वो सूख भी गया है। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है।